सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में विशेष हवन किया और सभी बीजेपी नेताओं के स्वस्थ होने की कामना की। इस समय कई बीजेपी नेता कोरोना संक्रमण के शिकार हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की जल्द स्वस्थ होने की कामना की और इसके लिए बैढ़न बस स्टैंड हनुमान मंदिर में पूजा एवं हवन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनोद चौबे ने बताया कि यह यज्ञ पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए किया जा रहा है। हम भगवान से कामना करते हैं कि ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो और फिर से स्थितियां पहले जैसी बन जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। उसी के संदर्भ में आज हमारे मध्य प्रदेश के जननायक जो लगातार 7.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं, ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया तो हम सभी ने यज्ञ हवन करके भगवान से प्रार्थना की। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।